जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अदित है और मैं आप लोगों के सामने एक केमिस्ट्री का नया टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं क्या होते हैं। अगर आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखें तो नीचे लिंक दिया है, जाके वहाँ से मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप किसी हायर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर कम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस और मैथमेटिक्स और GS पूछा जाता है, तो यह वीडियो और चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो आप लोग सबसे पहले बेसिक देखें कि ये जो ऑक्सीकरण तथा अपचयन, इसे पहले हम देखते हैं कि जो परमाणु होता है पूरे, अगर हमारा पूरा केमिस्ट्री जो है, हमारा पूरा 118 तत्व जितने भी पीरियोडिक टेबल में होते हैं, वो पूरा एलिमेंट किसके लिए मरते हैं? अपने आठ के लिए मरते हैं। उन लोगों का जो पेट हो किसके लिए मरते हैं? सब आठ के लिए मरते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पास आठ नहीं है, जैसे हम हाइड्रोजन की अगर जिक्र करें तो हाइड्रोजन के पास केवल एक ही है, हम लोग मरते कितने के लिए हैं? आठ के लिए। तो ये जो हाइड्रोजन है इसके पास एक ही है, तो लेकिन ये जो बोरबरी थे उन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन भरता है वो 2n² के रूप में मेरा भरेगा। मतलब पहले कोश में दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे में आठ, दो आठ 18, मतलब ऐसे बढ़ता हुआ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास आठ से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसका पहला कोष तो भरना ही पड़ेगा, उसका पेट जो है पहला तो भरना ही चाहिए। फिर जो लेकिन मरते सब कितने के लिए हैं? आठ ही के लिए मरते हैं। लेकिन जो ये हाइड्रोजन है इसके पास आठ तो है नहीं, लेकिन ये चाहेगा, भाई साहब मेरा नाभिक रहता है बीच में, इलेक्ट्रॉन के पास केवल, हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहेगा या तो हम किसी को दे दें अपना पेट खाली कर दें, या तो मुझे कोई दे दे मेरा एक पेट पूरा भर जाए। इसका पेट जो है केवल दो ही है, क्या है? केवल दो ही है, लेकिन इसके पास केवल एक है, या तो किसी को दे सकता है या किसी को ले सकता है। इसलिए हाइड्रोजन का जो स्थान दिया गया है पूरे पीरियोडिक टेबल में, दो स्थान रखा गया, एक हाइलोजन में और एक पहले में रखा गया हाइड्रोजन को। और पूरे जो केमिस्ट्री है, अगर हम पूरे केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल की पूरे परमाणु की बात करें तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अगर कोई एकलौता परमाणु है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? जीरो। उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? जीरो। देखिए, और अगर हम आपसे कह दें कि अगर कोई प्लस से माइनस जा रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ या कमी, तो हम क्या बोलेंगे? प्लस से माइनस जा रहा है, मतलब क्या होगा? यहाँ कमी होगा। अगर हम कह दें कि माइनस से प्लस जा रहा है तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? माइनस से प्लस जा रहा है तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, राइट? अब हम चलिए देखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो इधर हम लिखते हैं कि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, और इधर हम लिखते हैं अपचयन। क्या लिखते हैं? अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं उसे कहते हैं, नंबर एक, ऑक्सीजन को जोड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन को जोड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। दूसरा डिफिनेशन दे सकते हैं कि हाइड्रोजन को निकालना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। या आप तीसरा परिभाषा आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन में वृद्धि क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण संख्या। हमारा तीन डिफिनेशन आप कोई भी याद कर लीजिए कि ऑक्सीजन को जोड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण संख्या। हाइड्रोजन को निकालना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण संख्या। और इलेक्ट्रॉन में वृद्धि क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण संख्या। जस्ट इसी का उल्टा होता है अपचयन। इसी का उल्टा क्या होता है? अपचयन। जस्ट इसी का एकदम उल्टा, यहाँ हमने ऑक्सीजन को जोड़ा तो हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन को निकालना। यहाँ ऑक्सीजन को निकालना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। दूसरा हम कहें, यहाँ हाइड्रोजन को निकालते थे लेकिन यहाँ हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, तो यहाँ हम बोलेंगे हाइड्रोजन को जोड़ना क्या कहलाता है? मेरा अपचयन अभिक्रिया। तीसरा, अगर इलेक्ट्रॉन में यहाँ वृद्धि हो रही है तो यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में कमी होगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन, जस्ट इसी का उल्टा होता है अपचयन। अगर गांव में या किसी का दो नाम होता है, लगभग दो नाम होता है, लोग रख देते हैं एक प्यार से और एक नाम होता है, तो ये जो ऑक्सीकरण संख्या है ये बोला यार मैं इसका उल्टा हूँ तो मैं इसका उल्टा नाम रख दिया, इसलिए ऑक्सीकरण का एक और नाम होता है उपचयन। क्या? उपचयन अभिक्रिया। तो बात देखो, ये ऑक्सीकरण ने कहा कि ये अपचयन, इसका यह मेरा उल्टा है, ये जस्ट इसका उल्टा है, तो कहा इसका अपचयन है तो इसका मैंने नाम दे दिया उपचयन। अब भाई साहब ये कहाँ चुप बैठे, इन्होंने कहा कि ये मेरा नाम वो चुरा लिया तो हम भी इनका नाम चुरा लिए, इसलिए अपचयन का एक और नाम हो गया ऑक्सीकारक। क्या नाम हो गया? ऑक्सीकारक।
अपचयन का एक और नाम क्या, ऑक्सीकारक। देखिए ऑक्सीकरण इसका नाम चुरा लिया और जो अपचयन है इसका नाम चुरा लिया। तो अगर कोई पूछ ले कि उपचयन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे, उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को ही उपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। कोई पूछ ले कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं तो अपचयन की अपचयन ही क्या कहलाता है, अपचयन ही कहलाता है ऑक्सीकारक। और पूछे कि ऑक्सीकरण क्या होता है तो ऑक्सीजन को जोड़ना, हाइड्रोजन को निकालना, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि क्या कहलाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन को निकालना, हाइड्रोजन को जोड़ना, इलेक्ट्रॉन में कमी क्या कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। अगर मैं आपकी बात करूं कि रिडक्शन अभिक्रिया क्या होता है, क्या रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया में अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो यह होता है अपचयन 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 और प्लस अपचयन प्लस ऑक्सीकरण, क्या अपचयन प्लस ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अपचयन प्लस ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब ऐसा अभिक्रिया जिनमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया होते हैं उसे क्या कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे पता पाएंगे कि कौन सा अभिक्रिया है। अगर मैं आप लोगों के सामने कुछ ये लिखूं, कोई रिएक्शन लिखता हूं, मान लीजिए Na+ अब मैंने इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, ऐसे कुछ आपको दिया रहेगा क्वेश्चन और पूछेगा ये कौन सी अभिक्रिया है और यहाँ दिएगा Na। हमने क्या बताया कि हर एक परमाणु क्या होता है उदासीन, ये उदासीन क्यों होता है उदासीन। जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला अगर बनता है, जैसे मान लीजिए NaCl बना, कोई मेरा फार्मूला बना तो ये उदासीन होते हैं, सारे भी जितने भी फार्मूला बनते हैं सब उदासीन होता है। ये उदासीन क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी के पास अगर जितना प्लस होगा अगर उतने ही माइनस होगा तो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, एक दूसरे को अपना अस्तित्व ख़त्म कर देते हैं। अगर मान लीजिए प्लस 5 है, मान लीजिए प्लस जो है 4 है और माइनस 3 है, तो क्या एक दूसरे को ख़त्म कर पाएंगे, नहीं, तो परमाणु ये उदासीन नहीं होगा। लेकिन परमाणु हमेशा उदासीन होता है क्योंकि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होता है, राइट। जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो अगर हम इसकी जिक्र करें तो Na के पास केवल एक प्लस होता है और Cl के पास एक माइनस होता है। Na के पास एक प्लस क्यों होता है तो देखिए Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो होता है 2 8 और इस 2 8 10 हो गया, बचा कितना 1। और क्लोरीन की अगर बात करें तो इसका होता है 17, 2 8 और 7। मरते कितने के लिए हैं, सब 8 के लिए मरते हैं। तो ये बोलेगा, सोडियम कहेगा कि ऐसा करते हैं, देखिए जो केमिस्ट्री होता है ना इसके अंदर बहुत सारे भाईचारा होते हैं, उतने इंसानों के अंदर नहीं रहते। केमिस्ट्री कहता है कि यार मेरा तो कम पेट भरा है, मुझसे 8 से मतलब है, तो मैं ऐसा करता हूँ, कहूँगा हे क्लोरीन यार तुम एक मेरा ले लो और तुम्हारा 8 पूरा हो जाएगा और मेरा तुम नाम ले लेना। यही पूरे केमिस्ट्री का फंडामेंटल है। ये कहेगा चलिए हम ठीक है एक दे देते हैं, आपका भी बल्ले बल्ले मेरा भी बल्ले बल्ले। तो ये कहेगा ठीक है ये दे देगा, एक इसको दे दिया तो इसके पास कितना हो गया 8, इसका पूरा अष्टक पूरा और इसका भी अष्टक पूरा। तो सोडियम कितने दिया, अगर जो इलेक्ट्रॉन जितना देता है उतना प्लस और जो जितना लेता है उतना माइनस। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको दिया क्लोरीन को, सोडियम एक दिया तो इसलिए इस पर एक प्लस है ना, और क्लोरीन ने एक लिया मतलब क्लोरीन पर एक माइनस। अगर 2 दिया होता तो 2 प्लस, 2 लिया होता तो 2 माइनस। जैसे अगर हम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का कितना होता है 12, तो इसका होता है 2 8 10 हो गया और बचा 2, इसका कितना होता है 8, तो इसका होगा 2 6। फिर यहाँ होगा भाईचारा वाली बात, मैग्नीशियम कहेगा मेरा तो ये भरा हुआ है, यहाँ तो मेरा 2 खाली है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऑक्सीजन को देकर इसका भी 8 पूरा कर देता हूँ, मेरा नाम लेगा। तो ये 2 इसको दे दिया, किसने दिया मैग्नीशियम ने दिया, तो मैग्नीशियम कितना दिया 2, तो इस पर 2 प्लस। ऑक्सीजन ने कितना लिया, ऑक्सीजन ने 2 लिया, इस पर 2 माइनस। और यही चीज़ कहलाता है ऑक्सीकरण संख्या। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन जितना देता है जितना लेता है वही उसका ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इकलौता है पूरे इकलौता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अगर कोई भी परमाणु हो, जैसे कोई NaCl हो या कुछ भी फार्मूला हो, तो क्या होता है उदासीन, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि प्लस माइनस मिलकर अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं।
जो भी फार्मूला बनता है आपका पूरे, चाहे केमिस्ट्री में जितना भी फार्मूला बनता है एक दूसरे साझेदारी से ही बनता है। अगर इन दोनों के बीच साझेदारी नहीं होगा तो यह परमाणु यह फार्मूला नहीं बन सकता। देखिए यहाँ Na है, यहाँ NaMg का भी बन सकता है, नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, एक दूसरे का अष्टक पूरा होना चाहिए। तो अब हम कुछ थोड़ा फार्मूला लेते हैं, उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे Na है, अगर मैं कह दूँ इधर Na प्लस और ये अधर प्लस E मैंने जोड़ दिया, आपको फार्मूला मतलब आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, कुछ उदाहरण दिया रहेगा, पूछेगा यह कौन सा अभिक्रिया है। तो यहाँ देखिए इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है, मैंने आपको बताया कि जो हर एक परमाणु जो अकेलौता होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, जीरो। ये देखिए इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो रहा है कि कमी, यहाँ Na है तो यहाँ Na को देखिए, जीरो से क्या हो रहा है प्लस, जीरो से क्या हो रहा है प्लस, मतलब वृद्धि हो रही है कि कमी हो रहा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन, क्या कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण संख्या। अगर मैं यही ऐसे लिख दूं कि Na पर प्लस और इधर इलेक्ट्रॉन ले लो और इधर आ गया Na, तो अगर हम अगर इधर से Na को Na देखें तो हम कहेंगे ये प्लस से इधर कितना ऑक्सीडेशन नंबर, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि ये इकलौता है तो इसका कितना होगा, जीरो। ये प्लस से कितना हो रहा है, जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा, तो कमी हो रहा, तो इलेक्ट्रॉनों में कमी क्या कहलाता है, अपचयन या ऑक्सीकारक। अब दूसरा फार्मूला लेते हैं, मतलब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको कभी क्वेश्चन में कुछ ये दे दे कि 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CuO, यहाँ देखिए ऑक्सीजन को जोड़ रहा हूँ, क्या ऑक्सीजन को जोड़ रहा हूँ, तो ऑक्सीजन को जोड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। फिर एक फार्मूला, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए SnCl2 प्लस Cl2, ये होता है SnCl4। अगर इस क्लोरीन की बात करूं तो ये क्लोरीन इकलौता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, माइनस एक, क्योंकि उसके पास अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, एक लेने के लिए तो माइनस एक, तो एक क्लोरीन के पास माइनस एक, तो दूसरे क्लोरीन के पास कितना होगा, दूसरे को 4 क्लोरीन के पास कितना होगा, माइनस 4। अगर यहाँ SnCl2 है, अगर हमें Sn का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, हमने आपको पहले ही बताया है कि जो भी फार्मूला होते हैं, जो भी हमारा परमाणु होता है वो उदासीन होता है, जितना इस पर माइनस होगा दूसरे पर उतना ही प्लस होगा, क्यों, क्योंकि मिलकर अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं, उदासीन होता है। एक क्लोरीन के पास माइनस एक होता है तो दो क्लोरीन के पास कितना होगा, माइनस दो, अगर ये माइनस दो तो यहाँ क्या होगा, प्लस दो, ये दोनों मिलकर अपना अस्तित्व खत्म कर देंगे। या आप इसे डायरेक्ट निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, इसको नहीं पता तो हम एक्स लिखेंगे, यहाँ इसका होता है क्लोरीन का एक, दो क्लोरीन है तो दो, एक क्लोरीन का कितना होता है, माइनस एक, और पूरे का जो पूरा फार्मूला है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, जीरो, तो हम एक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस एक, ये हो जाएगा माइनस ए दो, और उधर जाएगा तो प्लस दो, राइट, तो हम कहेंगे इस पर कितना होगा, प्लस दो। या हम डायरेक्ट शॉर्टकट में बोलें कि जितना इस पर माइनस उतना उस पर प्लस, क्योंकि उदासीन होता है, एक दूसरे को अस्तित्व खत्म कर देते हैं। अब मैं अगर Sn का बात करूं, देखिए यहाँ पे माइनस चार हो जाएगा, इस क्लोरीन के पास कितना है, माइनस चार, तो यहाँ अगर Sn की बात करें, यहाँ दो से कितना हो रहा है, यहाँ माइनस चार, तो यहाँ क्या होगा, प्लस चार, दो से कितना हो रहा है, बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसमें Sn में क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है, प्लस दो से प्लस चार हो रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया, तो इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या। इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या, दो से चार। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए मैं आपसे कह दूं कि 2Fe पर 3+ प्लस 2I- I फॉर आयोडीन इक्वल टू 2Fe पर 2+ प्लस I2, यहां पे आपको क्वेश्चन दिया है जीरो। देखिए ये कह रहा है कि कौन सा अभिक्रिया है, तो हम देखेंगे ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हम किस पे फोकस करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे, इधर थ्री है, हम Fe को देखेंगे तो इधर भी Fe को देखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीन है और इधर कितना है, दो, मतलब इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, तो हम देखेंगे तीन से दो जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन में कमी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन में कमी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है।
और अगर मैं इसकी बात करूं, ये माइनस, यहाँ क्या है माइनस, ये माइनस से देखिए जीरो जा रहा है, आयोडीन को आयोडीन से देखिए, ये माइनस से कितना जा रहा है जीरो, मतलब घट रहा है कि बढ़ रहा है, माइनस बढ़ा है कि जीरो बढ़ा है, तो जीरो बढ़ा है, क्योंकि अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो बीच में जीरो होता है, इधर माइनस होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है माइनस, और उधर क्या होता है प्लस, ये कह रहा है माइनस एक बड़ा है कि जीरो, तो हमेशा राइट साइड बड़ा होता है, तो माइनस हमेशा छोटा होता है, उससे बड़ा जीरो होता है। तो हम बोलेंगे माइनस से जीरो जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि की कमी, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, और इलेक्ट्रॉन में वृद्धि क्या कहलाता है ऑक्सीकरण संख्या। आई होप कि आप लोगों को पूरा एक शब्द में आया होगा। हाँ एक चीज और कि ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए MgCl2 का अगर निकालें, MgCl2 का तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो हम बोलेंगे एक क्लोरीन का Mg, हमें Mg का नहीं पता, हमें Mg का नहीं पता, लेकिन एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है माइनस एक, क्यों, क्योंकि उसके अंतिम कोष में सात होता है एक लेने के लिए, तो माइनस एक, तो दो का कितना होगा माइनस दो, अगर ये माइनस दो तो ये कितना होगा प्लस दो, क्यों, क्योंकि उदासीन होता है, अपना अस्तित्व खत्म कर देंगे। अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 13, एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 2, 8, 10 हो गया और 3 हो गया, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। देखिए हर मरते 8 के लिए, मरता किसके लिए है 8 के, मान लीजिए किसी के पास 2 हो या 1 हो या 3 हो, और उधर किसी के पास 7 हो और इधर किसी के पास 6 हो और किसी के पास 5 हो, ठीक है, अंतिम कोष में किसी के पास 6, जैसे ये ऑक्सीजन का अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, तो और किसी के पास अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ये सोडियम हो गया और ये एल्युमिनियम हो गया, अंतिम कोष में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो आप वैसे बताइए इसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, ये कहीं उठ के जा नहीं पाएगा, ये बोलेंगे ऐसा करो तुम यार गरीब हो, तुम पहले से गरीब हो, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरा पेट भर दो, मेरा पेट भर दोगे तो मैं तुम्हारा नाम ले लूँगा, तो बोलेगा यार ठीक है, सोडियम कहेगा ठीक है भैया, तो ये सोडियम चला जाता है, ये इसको एक दे दिया तो इसको 8 हो गया, और इसके पास इसका भी अष्टक पूरा, उसका भी अष्टक पूरा, लेकिन जो देता है, जो डोनेटर होता है हमेशा बड़ा होता है, ये कितने भी बड़े नहीं हो, बहुत सारे इनके पास पैसा है, लेकिन ये अगर 1 रुपया उधार ले लिए तो ये गरीब हो जाएंगे, इसलिए उस पर माइनस चार्ज हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि ये जो 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर 1 माइनस, और ये 1 दिया तो इस पर 1 प्लस, मतलब सोडियम पर 1 प्लस और क्लोरीन पर 1 माइनस, ऑक्सीजन के पास होता है 6, तो ये कहेगा अष्टक पूरा होने के लिए 2 चाहिए, कितनी है, तो कहेगा 2, तो ये कहेगा 2 वाला कि भाई साहब मुझे दे दो, इसका भी पेट भरा, इसका भी पेट भरा, इसका हो जाएगा 8, लेकिन ये पहले कितने भी बड़े में नहीं है, लेकिन ये अगर तुम उधार ले लिए ससुर तो तुम माइनस हो गए, अगर हम किसी से उधार ले लेते हैं तो माइनस हो गए, तो इस पे 2 माइनस, ये 2 दे दिया तो इस पे 2 प्लस, ये 3 देगा तो 3 प्लस, लेकिन अगर किसी के पास 4 हो और किसी के पास 4 हो तब क्या होगा, तब तो मारपीट हो जाएगी, जो जीतेगा उसी का, तो इसका एक अलग बुक आ जाता है, वो कार्बनिक रसायन में हम स्टडी करेंगे, ये पूरा कार्बन है, राइट। देखिए एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 2, 8 और 3, मतलब ये 3 है, तो 3 दे सकता है कि ले सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि पहले से कम है, तो इलेक्ट्रॉन 3 देगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। आई होप ये आप लोगों को यह पूरा वीडियो समझ आएगा, अगर हमारा वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद जय भारत।